अगर आप तैयारी करना चाहते हैं एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, तो देर किस बात की, चले आइए, सपनों के साथ आइए, सफलता के साथ जाइए। अवतार कोचिंग सेंटर, विशाल सर, प्रफुल सर और विकास सर निरंतर एनडीए, एयरफोर्स और नेवी में रिजल्ट देने के लिए पिछले 8 सालों से जाने जाते हैं। आगे यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे पास आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि सारे बच्चे को जिस उम्मीद से आते हैं उस उम्मीद के साथ उसको हम भेजें और ढेर सारे गार्जियन के घरों में खुशियाँ लाएं। बिहार में अभी सर्वाधिक रिजल्ट देने का हम लोग का रिकॉर्ड रहा, लास्ट ईयर भी हम लोग बिहार में सबसे ज़्यादा रिजल्ट दे रहे हैं और देते भी आएंगे। जी हाँ, हमारा पता है अवतार कोचिंग सेंटर, करबिगहिया बस स्टैंड रोड नियर पटना जंक्शन, पटना। ज्यादा जानकारी के लिए हमें इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7319695151 और दूसरा नंबर है 7295846300। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। असर पड़ेगा इंदिरा नगर के बेटा नहीं चाहते हैं। 7 जून को नीतीश कुमार जी ने जितने भी बड़े पदाधिकारी थे उनकी बैठक बुला करके उन्होंने कड़ा निर्देश देने का काम किया कि अपराधियों पर अंकुश लगाइए, और एक शेड्यूल तय हुआ कि कौन अधिकारी कौन पदाधिकारी कहां पर जाएंगे। लेकिन आपने देखा कि पिछले माने दिन दहाड़े 21 तारीख को यहाँ का जो सबसे बड़ा ज्वेलरी दुकान है वहाँ पर करीब 4 करोड़ रुपये का जेवर और करीब 15 लाख रुपये की लूटी, और अभी तक पुलिस महकमा लगा हुआ है और अभी तक अपराधी का पता नहीं चला। 31 मई से लेकर करके 21 जून तक इस तरह की 4-5 घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो यहां पर अपराधी है वह समझता है कि सैया भेल कोतवाल का है डर का है। और हमको बड़ा अफसोस लगा कि जब डीपी जो हमारे यहां के डीजीपी हैं अब उनको यह नौबत आ गई कि जब हम इस तरह की कड़ाई करते हैं तो बहुत से अधिकारी पदाधिकारी उसको पसंद नहीं करते, यह उनका बयान आया है। तो जब हमारे पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारी अपने को असमर्थ पाएंगे तो क्या हाल होगा। मेरा आरोप है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार की पूरी सत्ता को अपराधियों के हाथ में सौंप दिया है, और मतलब आप अखबार उलटिएगा चाहे आप लोगों का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसका एक जो कॉलम है वह अपराध के संबंध में ही बराबर बताता है। पूरे बिहार में कोई ऐसा अनुमंडल, कोई ऐसा प्रखंड नहीं हो जहां पर दिन दहाड़े अपराधी जो है हत्या लूट आदि का काम करते हैं। ये वाइकर्स गैंग, पटना में हम लोग वाइकर्स गैंग आलोक मेहता जी नहीं जानते थे। हम टहल रहे थे आरपीएस मोड़ के नज़दीक, हमारा आवास है, 2 महिला का चेन जो है ऐसे छीन लिया। अब ऐसी स्थिति हो गई है कि अब जो है माने जो होता है सोना का नहीं बल्कि जो दूसरे तरह का जो ऑर्नामेंट होता है उसको पहन करके औरत जो है सो टहलती है। खास करके चेन जो है औरत के सुहाग का प्रतीक है, और उसको यहाँ का जो गुंडा है वह छीन रहा है, धमकी दे रहा है रंगदारी मांगने के लिए। यानी बिहार में कहीं कोई असुरक्षित नहीं है, और माने कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है, सभी लोग असुरक्षित हैं। यही सबसे बड़ी नाकामयाबी और फेलियर का यह निशान है। अगर नीतीश कुमार में थोड़ा भी नैतिकता होता, जिसको जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस सिर्फ भ्रष्टाचार का ही मामला नहीं है, जीरो टॉलरेंस अपराध का भी मामला है। आपने देखा इनके क्या हो गया, अभी जो कुपोषण की जो बात चल रही है।